हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और हकायक बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो मेरे साथ देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ ज़्यादातर होती हैं वो पंजाबी में होती हैं, और मेरी जो ऑडियंस है वो भी पंजाबी, हमारे सिख ब्रदर्स हैं ज़्यादातर इंडिया से। लेकिन ये वीडियो मैं उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए स्पेशल वीडियो है, लेकिन जाहिर है हम मेरे सिख भाई और दूसरे मजाहब के लोग भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। वीडियो एक वाक्य के बारे में है जो कि आप एक्चुअली टाइटल में देख चुके हैं। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले नार्वे में कुरान पाक, जो कि मुसलमानों की इल्हामी किताब है जिस पर हम सब मुसलमान यकीन रखते हैं, उसको जलाने की एक बहुत ही मजमूम और नापाक कोशिश की गई। ये वाकया पेश आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन मैं वीडियो इसलिए थोड़ी देर से बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि ये गर्द वगैरह बैठ जाए और सारे जो जज्बात के उबाल हैं वो ज़रा बैठ जाएं और फिर लोग अकल की बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हो सकें। और इस वीडियो में कोशिश ये की जाएगी कि जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, सिर्फ उन पर बात हो और जो जज्बाती बातें हैं उनसे परहेज़ किया जाए। तो आप प्लीज़ मेरी बात सुने पूरे खुले दिल के साथ, खुली आंखों के साथ, खुले दिमाग के साथ, और अगर आपको मेरी बातों से इख्तलाफ भी होता है तो प्लीज़ आप बड़े अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस इख्तलाफ को आप मेरी नीयत पे या किसी की भी नीयत पे शक करने के लिए इस्तेमाल ना करें। और अगर आप कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करते हैं और कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अहलाक के दायरे में रहें। ज़ाहिर है अगर आप अहलाक के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मैं मजबूरन ज़ाहिर है कमेंट डिलीट ही करूँगा और ब्लॉक ही करूँगा आपको, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपसे स्पेशली जो मुसलमान ही हैं जो ज़्यादा कमेंट करेंगे मुझे लगता है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ ये याद रखिए कमेंट करते हुए कि अगर आप कुछ बुरा कमेंट कर रहे हैं तो आप इस्लाम की क्या खिदमत कर रहे हैं, और अगर किसी कमेंट में आप कोई बात कर रहे हैं तो क्या हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यहाँ मौजूद होते तो आप उनके सामने यही बात कह सकते थे किसी को? अगर नहीं कह सकते थे तो फिर वो बात कमेंट ना करें। अब थोड़ा सा मैं इस वाक्य के बारे में आपको बताता चलूं कि ये वाक्य इस तरह पेश आया कि नार्वे में एक तंजीम है जिसका नाम है सियाम, जो कि कुछ अल्फाज का मुहाफ़िफ जिसका बनता है कि स्टॉप इस्लामी सेरिंग ऑफ नॉर्वे, मतलब कि नार्वे को इस्लामी तरीके से चलाने की कोशिश बंद करो, क्योंकि ये तंजीम समझती है कि मुसलमानों को यहाँ बहुत ज़्यादा हकूक मिल रहे हैं और जो चीज़ें हैं मुसलमान अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि पूरे यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे थे, जर्मनी में शायद हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने मुजाहरा किया था, इस बात से मुतासर हो कि नार्वे में भी ऐसी तंजीमों का आगाज़ हुआ। तो ये एक तंजीम, एक ऐसी तंजीम है और ये पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ मुजाहरे कर चुकी है या करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन जैसा कि तस्वीरें भी मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ, इनके हर मुजाहरे में जो जिसका यह बड़ा शोर भी डालते हैं, जिसको ये मीडिया पे कवरेज भी दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है पुलिस की इजाज़त के बगैर आप कहीं भी कोई मुजाहरा नार्वे में नहीं कर सकते, तो सब कुछ करने के बावजूद इनके मुजाहरे में अमूमन 3 से 4 से 5 लोग शरीक होते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं होते। इस तंजीम का और इस तरह की दूसरी तंजीमों का बुनियादी मकसद ये होता है कि मुसलमानों को और इस्लाम को इस तरह पेश किया जाए दुनिया के सामने कि ये इंतहाई नामहज़ब लोग हैं, ये इस्लाम जो है जबर का दीन है और ये कत्ल व गारतगरी और फसाद पे यकीन रखते हैं, तो ये हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं। तो नार्वे के एक शहर क्रिस्टियानसन में इन्होंने इस दफ़ा फैसला किया कि वो मुजाहरा करेंगे, इसके लिए उन्होंने इजाज़त लेने की कोशिश की नार्वेजियन पुलिस से, उनको इजाज़त मिली, उन्होंने कुरान पाक जलाने की नापाक ख्वाहिश का इजहार किया जिसकी पुलिस ने उनको इजाज़त एक्चुअली नहीं दी थी। और जैसा कि अब आप देख चुके होंगे मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर हर जगह बिखरी हुई हैं, हर बंदा शेयर कर रहा है, स्पेशली जो मुसलमान हैं उनके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, हर जगह आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। सियान जो कि यह तंजीम है, इसके मुजाहरे में 8 लोग शामिल थे, और इसके मुकाबले में जो मुजाहरीन इनको दिखाने के लिए जमा हुए थे कि हम तुम्हारी बातों के खिलाफ हैं, उनकी तादाद 400 से शायद ज़ायद थी, और इसमें नॉर्वेजियन भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें नॉन मुस्लिम सब शामिल थे। तो जब उस शख्स ने कुरान पाक जलाने की नापाक कोशिश की तो मैं समझ सकता हूँ कि जज्बात बढ़ जाते हैं, तो इस जज्बात में एक नौजवान जिनका नाम उमर दाबा है, उनको उमर इलियास के नाम से पेश किया जा रहा है मीडिया में या हर जगह, लेकिन उनका नाम उमर दाबा है, उन्होंने एक्शन किया और उसको मारने की कोशिश की। तो ये सिलसिला सारा हुआ था जिसमें आज उमर दाबा मीडिया पे गाजी, मुजाहिद और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा जा रहा है इस्लामी दुनिया में, लेकिन गैर इस्लामी दुनिया में
वो कोई बहुत अच्छे रूप में पेश नहीं हो रहे हैं। अब इस वाक्य की थोड़ी डिटेल्स में जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये असल में क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस सिलसिले में जो वाक्यात क्रिस्टियनसन में जब इस मुजाहरे से पहले पेश आए, वो एक हमारे भाई हैं जिन्होंने कॉलम भी लिखा है, वो उधर रहते हैं, वो इस जगह मौजूद थे, उनको सारी तफसीलात का इलम है। उनका नाम इलियास है। उनकी ज़बानी में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने इस बारे में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि पिछले हफ्ते जब इस तंजीम ने मुजाहरे का ऐलान किया तो एक जर्नलिस्ट ने इस मुजाहरे का उन्वान दरियाफ़त करने की गरज से इंटरव्यू किया, जिसमें इस तंजीम ने ऐलान किया कि हम कुरान को जलाएंगे। इस बात ने शहर के सुकून में इरताश पैदा कर दिया और मुस्लिम लीडर्स और मस्जिद कमेटी के लोग एक्टिव हो गए कि इनको कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने शहर के मेयर, पुलिस और लोकल गवर्नमेंट से मुंसलिक लोगों के साथ मीटिंग्स की, जिसमें पूरी सिटी कौंसिल ने एक जबान होकर कहा कि हम इस मुजाहरे के सख्त खिलाफ हैं और ऐसी किसी भी हरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हत्ता के जो जमातें थोड़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरह, उन्होंने भी कुरान करीम को जलाने वाले किसी भी अमल को सपोर्ट ना करने का ऐलान किया। इस मीटिंग के दौरान ये कानूनी नुक्ता उठाया गया था कि कानूनी तौर पे आप कुरान पाक या किसी भी मजहबी किताब को जलाने को नहीं रोक सकते। अब यहाँ एक बात है जो समझने की ज़रूरत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉर्वे में और जनरली यूरोप में एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है और इस बात पे, इस बुनियाद पे रियासतें ये कायम हैं। इसलिए इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत किसी भी मज़हब के खिलाफ तनकीद और उसके खिलाफ बात की जा सकती है। अगर यहाँ कोई खड़ा होकर बाइबल जलाएगा या इवन नॉर्वे का झंडा भी जलाएगा तो इसको गैर कानूनी नहीं कहा जाएगा। नॉर्वे में इसकी इजाज़त दी जाती है। अमूमन आपको इंसानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं है, उसको हेट क्राइम में गिना जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं आपको इजाज़त है, लेकिन अगर आप मुसलमानों के बारे में कुछ कहते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं है। इसकी एक मिसाल जो इस हवाले से भी बड़ी अहम है वो ये है कि यही तंजीम जो सियान है, जिसके एक मेम्बर लाश ने कुरान पाक को जलाने की कोशिश की थी, उस शख्स को इसी साल 8 नवंबर को, मतलब कि इस वाक्य से तकरीबन 10 दिन पहले, अदालत से सजा इसी बात पर हो चुकी है कि उसने मुसलमानों को एक बुरा लफ्ज कहा था। एक इसी तरह के मुजाहरे में उसने मुसलमानों के बारे में कुछ गलत कहा, तो जब उस पर केस चला तो अदालत ने उसको 3 महीने की सस्पेंडेड कैद की सजा और 20,000 करोन जुर्माने की सजा दी। 20,000 करोन जो है वो बनते हैं रफली 3,40,000 पाकिस्तानी रुपीज के बराबर। तो उसको ये जुर्माना हुआ था मुसलमानों को बुरा भला कहने पर। इस्लाम को वो कह सकता है कानूनी तौर पे, नॉर्वे के कानून के हिसाब से, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप इंसानों को हर्ट नहीं कर सकते, आप किसी थ्योरी को, किसी आइडिया को, किसी मजहब को, किसी भी चीज़ को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। तो जब इस मीटिंग के दौरान ये सवाल उठाया गया कि कानून के मुताबिक हम मुजाहरे को या कुरान जलाने की कोशिश को नहीं रोक सकते, तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स तय किए, जिसमें यही था कि जब वो ऐसी हरकत करेंगे तब हम उनको रोका जा सकता है। ज़ाहिर हरकत करने से पहले आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तंजीम का बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करे, उनको बताए लोगों को कि ये लोग मगरबी माशरे में रहने के काबिल नहीं है और उनको नॉर्वे से निकाला जाए। क्योंकि नॉर्वे में जनरली बहुत से डायलॉग, सेमिनार, इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं, तो पहले ये तंजीम बहुत कोशिश करती रही कि ये इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की जगहों पे जाके मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ जो मवाद है उसको फैलाए। लेकिन फिर जब इनका ऑलमोस्ट बायकॉट किया जाने लगा, कोई इनको बुलाता नहीं था, कोई किसी इनको इजाज़त नहीं देता था आने की, तो उन्होंने ये सड़कों पर या गलियों मोहल्लों में मुजाहरे करने स्टार्ट किए। ये हमारे भाई मोहम्मद इलियास अपने कॉलम में लिखते हैं कि क्रिस्टियनसन जो कि ये शहर है जिसमें यह वाकया पेश आया, वहाँ के जो मजहबी हलके हैं, इस्लामी मजहबी हलके, वो हमेशा कोशिश करते रहे हैं इस्लाम का असल इमेज लोगों के सामने पेश करने के दलील की सूरत में, मुदल्लल अंदाज में, और जिसकी वजह है कि हर हफ्ते दो हफ्ते में एक नॉर्वेजियन ज़रूर इस्लाम कबूल करता है क्रिस्टियनसन में। तो जब इस तंजीम को मुकम्मल बायकॉट किया गया, इवन चर्च ने भी उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाने से माजरत कर ली, उनको इजाज़त नहीं दी, तो फिर इनका प्लान ये था इस तंजीम का कि हम ये मुजाहरे या इस तरह की हरकतें सड़क पर करें और मुसलमान जब गुस्से में, जज्बाती होकर हम पे हमले करेंगे, कुछ करेंगे, तो फिर हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि वो शहीद होना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि एक जब सियासतदान जेल में चला जाता है तो वो बड़ा सियासतदान बन जाता है, इसी तरह ये चाहते थे कि हम पे हमला हो और हम हीरो बन जाएं उन हलकों के नज़र में जो मुसलमानों को वैसे पसंद नहीं करते। और इवन जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के कायल हैं, जो कि ज़्यादातर नॉर्वेजियन हैं, तो उनको भी हमारे साथ हमदर्दी हो जाए, क्योंकि हमदर्दी होगी तो फिर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है या मुसलमानों के खिलाफ जो जज्बात हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे।
ये इनका प्लान था। तो इस वाक्य से पहले जब ये मुजाहरा उन्होंने करना था उससे पहले मस्जिदों में बकायदा ऐलान किया गया था क्रिश्चियन सन की, और यहाँ कम्युनिटी में ये बात की गई थी कि कोई भी जज्बाती हरकत नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ मुजाहरा हम भी करेंगे लेकिन उनको जो करना हुआ करने दिया जाएगा, क्योंकि ये जो भी करना है उससे आगे कानूनी कार्रवाई वो पुलिस का काम होगा। जब ये दिन पहुंचा और ये जब ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि सियान के मुजाहरे में 8 लोग थे और उसके मुकाबले में 400 से ज़्यादा लोग जमा थे, और इसमें बहुत बड़ी तादाद नॉर्वेजियन लोगों की थी जो कि मुसलमान नहीं थे। तो ये तंजीम जिसका नाम सियान है, जिसके 8 लोग मौजूद थे, उनमें से एक ने जब कुरान पाक बारबेक्यू ग्रिल पर रखा जलाने के लिए स्टार्ट में, जब ये स्टार्ट हुआ तो पुलिस ने फौरन कुरान पाक के उस नुस्खे को अपने कब्जे में ले लिया था, उसको इजाज़त नहीं दी थी। इसके बाद वो दूसरा शख्स जो लाश था उसने अपनी जेब से कुरान पाक का नुस्खा निकाला क्योंकि वो लेके आया था, और उसने उसको आग लगाने की कोशिश की, जो कि आप वीडियोज़ में देख चुके हैं और अब भी देख सकते हैं। जब इस हुआ तो फिर हमारे नौजवान दौड़ते हुए लपके और उसको ठुड्डे छुड्डे मारने की कोशिश की, और उसने कुरान नीचे फेंक दिया। फिर ये सारा सिलसिला हुआ जिसमें ज़ाहिर है हमारे नौजवानों ने पुलिस को भी मारने की कोशिश की, छोटे छोटे उनको भी मारे, तो ये सारा सिलसिला इस तरह चला। अब ये सही था या गलत और इस मौके पे क्या करना चाहिए, इसके लिए जिस बात को ज़रा साइड पे रख के थोड़ा अक्ल से सोचने की भी ज़रूरत है। अब उमर दाबा की इस जज्बाती हरकत ने और उसके कुछ साथियों की जज्बाती हरकत ने इस तंजीम को या उन लोगों को जो मुसलमानों से नफरत करते हैं ये मौका दे दिया है कि वो इस तस्वीर को, इस वीडियो को वायरल करें जो कि वो कर रहे हैं, और जाहिर करें कि मुसलमान जो हैं वो तो हैं इस किस्म के लोग, वो तो इंतहाई जालिम हैं, वो तो मतलब परवाह नहीं करते, उनको तो कोई हमारे कल्चर की, हमारे चीज़ों की परवाह नहीं है, और ये इस माशरे में रहने के काबिल नहीं है। ये मौका इस जज्बाती हरकत ने उनको फराहम कर दिया है, और बाकी जो हमारी पूरी इस्लामी दुनिया है जो नॉर्वे में रहते हैं उनको छोड़ के भी पाकिस्तान, इंडिया और बाकी दुनिया में हर जगह फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी उमर दाबा की तस्वीरें प्रोफाइल में लगाई जा रही हैं और उनको मुजाहिद और इस तरह के, और नॉर्वे के बारे में इंतहाई घटिया बातें की जा रही हैं, और जो कि जो भी करना चाहते हैं उसको टोटली इजाज़त है, मुझे इससे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि वो 400 लोग जो इस तंजीम के 8 लोगों के खिलाफ जमा थे जिनमें कसीर तदा नॉर्वेजन की थी, जब आप नॉर्वे को और नॉर्वेजन्स को बुरा कह रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम मुसलमानों के साथ खड़े थे उनकी हिमायत के लिए। और इससे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मजहब पर तनकीद नॉर्वेजन कानून के मुताबिक हो सकती है लेकिन मुसलमानों को या किसी भी मजहबी ग्रुप के खिलाफ नहीं हो सकती, तो इस बात को लेके जो काफ़ी इतराज़ आजकल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया, पुलिस के पास एक्चुअली करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं था सवाए इसके कि वो उनको इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करे या उनको रोकने की कोशिश करे कि आप नक्शे अमन, मतलब कि अमन में हलल पैदा करने का सबब बन रहे हैं, और ये उन्होंने करना था लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया, उससे पहले ये हमला कर दिया गया उन पर। अब एक बारीकी की चीज़ है जो शायद बहुत से लोगों ने नोट ना की हो, जब उमर दाबा और उसके साथियों ने इस लाश नामी शख्स पे हमला किया तो उसने कुरान पाक नीचे फेंक दिया था जिसको उसने आग लगाने की कोशिश की थी। हमारे नौजवान जो कुरान को बचाने के लिए गए थे उनमें से किसी ने कुरान को बचाने की कोशिश नहीं की जब उसने नीचे फेंका। वो कुरान पाक जो नीचे फेंका गया था उसको नॉर्वेजियन पुलिस ने उठाया और उसकी आग भी नॉर्वेजियन पुलिस ने बुझाई थी। जब अक्ल साथ नहीं होती, सिर्फ जज्बात होते हैं, तो उसका ये निकलता है रिजल्ट के इंसान को जो चीज़ करनी चाहिए उसके बजाय वो दूसरी चीज़ करता है क्योंकि जज्बात उसकी अक्ल को बंद कर देते हैं। अब जो संडे गुजरा है, मतलब इस वाक्य के बाद जो पहला संडे था, उस दिन उसी मुकाम पे मुसलमानों ने कुरान पाक की तलावत का एहतमाम किया था सरेआम उसी जगह पे, और नॉर्वेजन की तादाद उनकी सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी तादाद नॉर्वेजन्स की भी मौजूद थी, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा रिस्पांस था। आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
من الصالحات وقال إنني من المسلمين. Trevor Scott Hart, the Trevor Scott Fred O'Shannon, Goyan Gariglai, Rondra Gariglai, Dian Goyan Gariglai, Imanadinas. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam. میرے ذاتی حال میں یہ عمر دابا کے قدم سے جو اس نے کیا اس سے بہت بہتر یہ تھا کیونکہ اس سے اسلام کا ایک پر امن اور ایک اچھا تصور لوگوں کے ذہنوں میں جائے گا اور اب ہم لوگوں کی عادت ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم صرف جذبات میں بہہ کے چیزیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں کہ جتنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ شاید اس سے ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ تنظیم 8 لوگ تھے مظاہرہ کرنے والے اور انہوں نے ایک چیز کرنے کی کوشش کی اگر اس کو ٹوٹلی مسلمان اگنور کر دیتے اس کی ظاہر کرتے ان کو کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو ساری تنظیم اپنی آگ میں آج خود جل رہی ہوتی کیونکہ ان کا اتنا اس کے علاوہ وہ آگے کر بھی کیا سکتے تھے لیکن اب ان کو ہم نے یہ موقع دیا ہے کہ اب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہر مظاہرے میں قرآن پاک چلایا کریں گے ہم نے یہ کیا کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ جو ہم سب نے مطلب اس بات کو اتنی زیادہ ہوا دی عمر دابا کو اس طرح ہیرو اور مجاہد اور غازی کے طور پہ پیش کیا اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ترکی نے اس معاملے کو اتنا زیادہ اوپر اٹھا دیا سٹیٹ لیول پہ اس پہ پاکستان نے بھی وہی کیا عمران خان اور ان کی گورنمنٹ نے نارویجن امبیسڈر کو طلب کیا اور اس پہ شکایت کی اور اس کے بعد ابھی وہ اسلامی ملکوں کی تنظیموں کا اجلاس بلانے کی بات کر رہے ہیں اب آپ سوچیں وہ 8 لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی اس وقت وہاں بیٹھے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے مطلب ان 8 لوگوں نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے حالانکہ وہ اس قابل بھی نہیں تھے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی ہم نے ان کو اٹھا کے سر پہ بٹھا دیا یہ کیا ہم نے اپنے جذباتی پن کی وجہ سے اس کی مثالیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بھائی پہلی مثال نہیں ہے سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی تھی جس کی بنا پہ ایران نے اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتاب جب شائع ہوئی تھی اس کو کافی مہینے گزر چکے تھے وہ کتاب اپنی موت آپ مر چکی تھی اس کے بعد یہ معاملہ ایران نے اٹھایا تھا ایران کے اٹھانے سے معاملہ یہ ہوا کہ اچانک سلمان رشدی بھی اینٹی اسلامک مطلب ایلیمنٹس میں ہیرو بن گیا اور وہ کتاب بھی جو اپنی موت مر چکی تھی وہ ناول بھی جو اپنی موت مر چکا تھا وہ پھر زندہ ہو گیا اور اچانک وہ سلمان رشدی بہت امیر بھی ہو گیا کیونکہ وہ اس کا ناول اتنا بک گیا کچھ عرصہ پہلے یہی ہوا جب ایک گستاخانہ فلم یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی تھی اس کو اپلوڈ ہوئے ہوئے سال سے زیادہ شاید ہو گیا تھا کسی نے دیکھی نہیں تھی کوئی ویوز نہیں تھے پھر ایک مصر کے چینل نے اس کو عربی میں ڈب کر کے اپنے ملک میں پیش کیا اور پھر اچانک وہ اتنی بڑی ہٹ ہو گئی کیونکہ ان کو جو ملنا تھا ان کو شہرت ملی ان کو پیسے ملے ان کو ہر چیز مل گئی وہ مسلمان بیٹھ کے مظاہرے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں بس اسی میں جانے گئیں اور بس ہو گیا کام اس واقعے کو اگر اہمیت نہ دی جاتی اس بات کو اتنا زیادہ پھیلایا نہ جاتا اس کا رائتہ نہ بنایا جاتا تو یہ واقعہ یہ چیز اپنی موت آ مر گئی ہوتی اور دوبارہ کسی کو کرنے کا خیال نہ تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اس بات پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ اب یہ کہ یہ ایک سلسلہ شاید چلے گا اور آئندہ بھی جب بھی کسی کو ضرورت ہوئی یا اس کی خواہش ہوئی کہ مسلمانوں کو پرووک کرے تو اس طرح کی حرکتیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے کرنی ہے اب آپ پوری ایمانداری سے سوچیں کہ اس کا مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا جو ہم نے کیا حالانکہ ہم جانتے ہیں جو میرے خیال میں جو اسلام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ یہ سوچیں یہ دیکھیں کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں ہوتے تو وہ کیا کرتے اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ مکہ شریف میں تھے ان کے خلاف اتنی زیادہ زیادتیاں ہوئیں ان کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنے کا درس دیا لیکن ان اس مذہبی بحث میں پڑے بغیر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے تو میرے حال میں یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا ایک اور مزے کی بات ہے کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا پیغام بھی کیا ہے اس کے باوجود ہم جھوٹ کا سہارا لے کے اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹ کر رہے ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ ناروے میں قانون پاس ہو گیا ہے اب قرآن کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکے گا ایک اور جھوٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ٹیلی کام اتھارٹی ہے اس نے ٹیلی نور کی سروس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس طرح کے بہت سارے جھوٹ آج کل بہت گھوم پھر رہے ہیں ہر جگہ تو جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں
تو جب ہم اسلام کے مسلمان ہو کہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں تو کہ یہ بے حرمتی نہیں ہے. اور ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک اور اسی طرح کے ٹیررسٹ نے جو کہ نارویجن تھا اس نے ٹرائی کی تھی ایک مسجد پہ حملہ کرنے کی, جس طرح کے کافی جگہوں پہ پہلے دنیا میں ہو چکا ہے کہ مسجد کے اندر جاتے ہیں. تو اس کو سمجھ نہیں تھی کہ اس دن مطلب اتنے زیادہ لوگ مسجد میں نہیں تھے. وہ مسجد میں گیا, اس نے ٹرائی کی. اس کو ہمارے ایک بزرگ نے جو کہ میرے حال میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن 70-75 ایئرز اولڈ تھے, پاکستان آرمی میں وہ پہلے تھے, انہوں نے اس کو قابو میں کر لیا اور پولیس کے آنے تک اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی. تو بعد میں ظاہر ہے اس کو پولیس نے پکڑ لیا سب کچھ. آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تصویر میں, یہ ایک بزدل ایک ٹیررسٹ کا چہرہ ہے, یہ ایسی تصویر ہے, یہ ایسے ہوتے ہیں بزدل لوگ. ان انکل جی کو, ان ہمارے بزرگ کو اس شہر کے میئر نے اور پولیس کے جو ادھر افسر تھے انہوں نے بلا کے اسپیشل انعام دیا تھا, ان کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ان کو ناروے میں ایک ہیرو کا درجہ دیا گیا. اس وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایکچولی کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ اگر یہ واقعہ ہوا کسی کچھ 8-10 لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف کچھ چیز کرنے کی کوشش کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ناروے ان کے ساتھ تھا یا ان کو گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی. ہمارا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ریاست کو اپنے دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں, پاکستان, انڈیا, ہمارے ملکوں میں, لیکن ناروے میں اس طرح نہیں ہوتا. ریاست عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ریاست اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے اور نارویجنز کی بھی مطلب بہت بڑی اکثریت, میں کہہ سکتا ہوں کہ 95-96% سے بھی شاید زیادہ لوگ ہوں گے جو اس واقعے میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں ویسے, لیکن عمر دابا کی حرکت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. اگر عمر دابا کی یہ حرکت نہ ہوتی تو ساری یہ ہمدردی مسلمانوں کو ملنی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ تنقید کر رہے ہیں, جب آپ برا بلا کہہ رہے ہیں, تو آپ اس تنظیم کو, اس تنظیم کے لوگوں کو ضرور کہیں, ان کے خلاف جو بھی باتیں کرنی ہیں آپ ضرور کہیں. پوری نارویجن قوم کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ, جیسے دنیا میں یہ کہا جائے کہ سارے مسلمان ہی دہشت گرد ہیں, سارے مسلمان ہی ٹیررسٹ ہیں, سارے مسلمان ہی برے ہیں. تو یہ وہی مینٹیلٹی ہے کہ ہم جنرلائز کر دیتے ہیں ہر چیز کو, تو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیشہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو انسان ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. ایک گھر میں رہتے ہیں وہاں ہمارے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, تو ایک پوری قوم جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتی ہے تو ان کے حالات کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ میری ویڈیو تھی, یہ پوائنٹ تھے. اگر کچھ باتیں رہ گئی ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے یہ پہلے کہا کہ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے تو آپ ان کے سامنے یہ بات کر سکتے تھے. اگر یہ کر سکتے تھے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں کریں, یہ آپ کے ایمان کا بھی امتحان ہوگا. یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی, اس کا مطلب کوئی ویوز لینا یا کچھ طرح نہیں تھا, ورنہ اگر میں نے ویوز لینا ہوتا تو میں بھی ٹپیکل آج کل عمر دابا کے حق میں جو ویڈیوز بنا دیں اس طرح کے بنا دیتا, لاکھوں کروڑوں ویوز مل جاتے ہیں. لیکن جو بات میں اپنے ایمان سے صحیح سمجھتا ہوں, جو میرے حال میں مجھے کرنی چاہیے تھی وہ میں نے کی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ یہ سوچا کہ جب ہم اپنے مذہب کے نام پہ کچھ قدم کرتے ہیں کچھ اقدام کرتے ہیں تو ہم اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے جو بھی نقصان, جو بھی فائدہ, جو بھی بدنامی, جو بھی نیک نامی ہوگی وہ مذہب کو بھی ملے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, کافی مشکل تھی, کوئی اسکرپٹڈ نہیں تھی, کچھ بات نہیں تھی. میں نے جو میرے ذہن میں باتیں تھیں میں نے کہہ دی ہیں, بہت سی باتیں بول گیا ہوں گا, لیکن پھر اسی طرح بہت خوش رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.